नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, इस वीडियो में हम क्लास टेंथ वालों का हिंदी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जी हाँ गाइज, जो 2019 का पेपर है, उसका पूरा रिव्यू करने वाले हैं। और पूरा इसको मैंने एनालिसिस किया है और कुछ ऐसे हिंदी में ऐसे काफ़ी सारे, कुछ नहीं, काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जो निश्चित होते हैं, हर साल आते हैं। ओके, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और गाइज, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, लाइक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई मैथ का क्वेश्चन फंसा हुआ है, तो आप उसको कैसे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, या चैट के थ्रू मुझसे कैसे बात कर सकते हैं, तो इस वीडियो को मैं अंत में बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, ये हम लोग का 2019 का पेपर है, ठीक है। आई होप आप सब लोग जानते हो कि आप लोग का 70 मार्क का पेपर होता है और 30 मार्क का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो देखिए, जो फर्स्ट प्रश्न होता है और 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलता है, ठीक है। तो देखिए, जो फर्स्ट प्रश्न होता है उसमें देखिए एक ऐसा प्रश्न पूछता है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कैसा, कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है उसे पहचान कर लिखिए, यानी 4 कथन दे देगा, उसमें से कोई एक सही होगा उसे पहचान कर लिखना होगा, एकदम ऐसा ही पूछेगा आप लोग का, ठीक है। तो देख लीजिए, जिसमें पहला है, प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है, तो ये तो गलत है, प्रेमचंद महाकवि के नहीं बल्कि उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। ओके, सेकंड है, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, तो ये भी गलत है। देखिए, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध नाटक है। ओके, अगला है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, ठीक है। तो देखिए, ये भी गुनाहों का देवता के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती, ये सही है। ओके, गुनाहों का देवता के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती ही है। ओके, और देखिए अगला है, आई भी यानी चौथा इसमें का, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह, तो ये गलत है गाइज, कहानी संग्रह नहीं, निबंध है मित्रता, आप लोगों का शायद पहला लेसन ही है मित्रता, तो ये निबंध संग्रह, तो इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है। ओके, सेकेंड प्रश्न ऐसा एक पूछता है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, ठीक है, कैसा पूछता है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखिए, सेकेंड इसी में यानी फर्स्ट का ख पूछता है, ये क रहा, ख इस तरह पूछता है कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखे, और 4 आपको ऑप्शन देता है, यानी 4 रचना दे देता है, उसमें से किसी एक का आपको नाम लिखना होता है। ओके, तो देखिए, जिसमें फर्स्ट है इंद्रजाल, तो इंद्रजाल के आप सब लोग जानते हो, जयशंकर प्रसाद जी लेखक है, मेरी यूरोप यात्रा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इसके लेखक, मेरी यूरोप यात्रा के, अर्धनारीश्वर के रामधारी सिंह दिनकर हैं, और हिमालय के पुकार के जयप्रकाश भारती, ये पहले से यहाँ लिखा हुआ भी है। ओके, ये मेरी राइटिंग नहीं है, मेरी राइटिंग इतनी खराब नहीं है, किसी लड़के का मैंने ये पेपर लिया है। ओके, तो चलिए, इंद्रजाल, जयशंकर प्रसाद और उसी लड़के ने ये लिखा है, तो इंद्रजाल का जयशंकर प्रसाद, मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, हिमालय के पुकार जयप्रकाश भारती, ठीक है, और ये गलत नहीं है गाइज, मैंने देखा ये सब सही का सही है। ओके, तो आई होप आप ये भी इसको याद कर लीजिएगा, ये भी आ सकता है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, अगले पेज पे हम चलते हैं। तो गाइज, मैं सेकेंड पेज पे आ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो, थोड़ा मैं और जूम कर दूँ कि आपको अच्छा साफ दिखाई दे। ओके, और उसी का अब ग प्रश्न, ठीक है, ख तो हम देख लिए, अब ग आप लोग देख सकते हो, अजाशत्रु की सुविधा की रचनाएं। ओके, अजाशत्रु, तो आप लोग ये जानते हो कि अजाशत्रु किसने लिखा है, तो मैं बता दूं कि देखिए, अजाशत्रु जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और यह एक नाटक विधा की रचना है। जी हाँ गाइज, अजाशत्रु किस विधा की रचना है आपको ये केवल पूछा है, तो आप लोग लिखोगे कि अजाशत्रु नाटक विधा की रचना है। ओके, और इसको लिखे हैं कौन, डॉक्टर सॉरी जयशंकर प्रसाद। ओके, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है एक नाटक विधा की। अगला, एकांकी विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक प्रमुख एकांकी लेखक है, आप लोग याद रखिएगा, ये आ सकता है, ठीक है, और ये इसमें का अंग है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम उल्लेख कीजिए, तो देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, तो ये फर्स्ट प्रश्न होता है, ऐसे आपको पूछता है। ओके, और देखिए यहाँ एक एक मार्क सबका आपको मिलता है, आगे ये मेंशन है। चलिए अगला, सेकंड जो प्रश्न होता है, देखिए सेकंड का क, जैसे कुछ इसमें युग की विशेषताएं पूछता है, लाइक जैसे यहाँ पूछा है, प्रगतिवादी युग की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ठीक है, और 2 विशेषताएं आप लोग लिखोगे तो प्रत्येक पे एक एक मार्क मिलेगा, यानी 2 मार्क। तो देखिए मैं बता दूं कि प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं निम्न है, जिसमें फर्स्ट है
कि समाज साम्राज्यवादी विचारधारा, ठीक है, क्या है साम्राज्यवादी विचारधारा, और जो सेकंड है पूंजीपतियों के मतलब पूंजीपतियों के खिलाफ विद्रोह। ओके, देखिए पूंजीपति क्या थे कि उस समय काफ़ी अत्याचार करते थे, इसलिए लोग उनके खिलाफ विद्रोह करते थे। ओके, और फर्स्ट क्या मैंने बताया, साम्यवादी विचारधारा, ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे ये दोनों। ओके, तो चलिए अगला चलते हैं ख, रीतिकाल की प्रमुख दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए ये रीतिकाल हमेशा आता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो रीतिकाल की दो विशेषताएं मैं बता दूं या प्रवृत्तियां बता दूं आपको, ठीक है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, रीति ग्रंथों का निर्माण है, ठीक है, और आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ये सब रीतिकाल की विशेषताएं हैं। और इसका ग है सेकंड प्रश्न का, निम्नलिखित रचनाओं में किसी एक रचनाकार का नाम लिखिए, ठीक है, यानी इस तरह दे दिया है और आपको एक नाम लिखा है। जैसे कविप्रिय है तो कविप्रिय के लेखक केशवदास है, पंचवटी के मैथिली शरण गुप्त है, उत्तरायण के राजकुमार, ठीक है, राजकुमार वर्मा, और रेणुका के रामधारी सिंह दिनकर। ओके, देखिए रेणुका और हुंकार, ठीक है, उत्तरायण के तो राजकुमार वर्मा है, और देखिए रेणुका के रामधारी सिंह दिनकर, ये रेणुका और हुंकार दो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब जो आप लोग का जो तीसरा प्रश्न आता है, आप लोग देख सकते हो एक क्या आता है तीसरा प्रश्न, कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी ये एक दे देता है आपको गद्यांश, ठीक है, और इससे रिलेटेड नीचे तीन थे क्वेश्चन पूछता है, और तीनों का दो 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 यानी दो दो मार्क देता है, ठीक है। जैसे ये आप लोग का देख सकते क्वेश्चन का जो सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सदवृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, ये मान लीजिए यहाँ तक आपका दे दिया, और नीचे आपको देखिए इससे रिलेटेड तीन थे क्वेश्चन पूछा है, आप लोग देख सकते हो, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी इसका संदर्भ लिखना है। ओके, और सेकंड है रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी इसमें जो आप देख सकते हो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करना है, और जो इसमें का थर्ड है युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होती है तो उसका क्या परिणाम होता है, अब इसमें पढ़ोगे तो आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा, तो ये होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको शायद दो ऑप्शन देता है, इधर भी मैं देख लूँ, हाँ देखिए इसमें क ख दिया है, उधर क था इधर ख था, तो दोनों में से आपको कोई एक करना है जो भी आपको आ रहा है, ठीक है, ये क है और पीछे ख था, तो क ख दोनों में से केवल आपको केवल एक ही करना है। जैसा कि यहाँ पे प्रश्न में आपको साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के, यानी दोनों में से क ख दिया है, दोनों में से जो आपको आ रहा है एक आपको करना है, ठीक है। उसी तरह आपका ये तो गद्य से हो गया, पद्य से उसी तरह होता है, ठीक है, जिसमें आपको देखिए इसमें क्या क्या निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक ही संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ओके, देखिए आपको क्या करना है कि संदर्भ सहित व्याख्या करना है, देखिए संदर्भ का एक मार्क, ठीक है, व्याख्या का चार मार्क, और उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने का एक मार्क, इस तरह आपको इसमें से छह मार्क आपको पूछता है, ठीक है। इसमें भी आपको दो ऑप्शन देता है, क और ख, जो आपको आप मतलब आ रहा है उसका आप कर लीजिए। तो चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। तो गाइज मैं अगले पेज पे आ चुका हूँ, और अगला आप लोग देख सकते हो पांचवा आप लोग का प्रश्न होता है जीवन परिचय से। जी हाँ गाइज, गद्य और पद्य से। देखिए निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उस उनकी एक रचना का नाम लिखिए, यानी देखिए जीवन परिचय का दो नंबर, उनकी एक रचना लिखोगे तो उसका एक नंबर, यानी तीन मार्क आप लोग को जीवन परिचय का होता है। और आप लोग देख सकते हो जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल पूनालाल बख्शी, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, तो ओके ये है। तो मैं जीवन परिचय भी आपको लिखवाऊंगा अच्छे से, शायद एक दो चैनल पे अभी चढ़ा भी चुका हूँ, अपलोड भी कर चुका हूँ, तो आप लोग जाकर चैनल पे देख लीजिएगा, और मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा जीवन परिचय इस बार आने के चांस है। ओके चलिए, इसमें का ख आप लोग देख सकते हो उसी तरह, ये गद्य से वही, ये पद्य से कवि का जीवन परिचय होगा, आप लोग देख सकते हो सेम उसी तरह दो मार्क उनका जीवन परिचय और एक अंक उनकी एक रचना लिखोगे तो मिल जाएगा, इसका भी तीन मार्क, यानी तीन तीन मार्क का आप लोग का जीवन परिचय, यानी छः मार्क का आप लोग का जीवन परिचय गद्य और पद्य से पूछेगा। ओके, उसके बाद देखिए हिंदी संस्कृत में आ जाते हैं, जिसे हम संस्कृत परिचय क्या बोलते हैं, उसमें निम्नलिखित छवा प्रश्न होता है कि निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी ये एक दे देता है, ठीक है, और इसमें अथवा भी देता है, दो ठे आपको देता है जो आपको करना है, ठीक है। देखिए ये कि ये नीचे वाला, ये एक ऊपर वाला, ठीक है, दोनों में से आपको क्या करना है कि उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, संदर्भ करेंगे तो उसका एक मार्क, ठीक है, और इसका अनुवाद करेंगे हिंदी में, यानी इसका अर्थ लिखेंगे तो उसका तीन मार्क, इस तरह आपको चार मार्क मिल जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का छवा प्रश्न।
चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लोग का है 7 नंबर, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। जो हम लोग का 7वां प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो 7 का क, कि निम्नलिखित पाठ्य पुस्तक में से कंस्टर्स किया हो कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। हाँ, एक श्लोक आप लोग याद कर लीजिएगा अपने संस्कृत से। जी हाँ गाइज, पीछे आप लोग का संस्कृत होता है, उसमें काफ़ी सारे श्लोक हैं, लाइक जैसे ये भी एक श्लोक ही है। ओके, तो उसी तरह कई सारे श्लोक है, तो आप 2-3 श्लोक याद कर लीजिएगा, उसका 2 मार्क आप लोग को एकदम आसानी से मिल जाएगा। एक श्लोक लिखने को आता है 7वें प्रश्न में, उसका क, ठीक है। और ख जो है, ख प्रश्न है, उसका देख लीजिए क्या आता है। ख में इसका 7वां का आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यानी देखिए, आप लोग को 4 प्रश्न दिया रहता है, ठीक है, 4 प्रश्न, उसमें से आपको केवल 2 का उत्तर लिखना होता है। मान लीजिए आप लोग को 4 प्रश्न दिया है, 4 का आंसर आ रहा है, तो केवल आप 2 का लिखिए, 4 का मत लिखिए, ठीक है। और 4 आप लोग को दे देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। मान लीजिए केवल 2 देता तो मान लीजिए नहीं आ रहा होता, एक और एक आ रहा तो फिर गड़बड़ होता ना। लेकिन 4 मतलब प्रश्न होता है, तो उसमें से 2 आपको आसानी से मतलब आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो गाइज, जो अगला प्रश्न होता है 8वां का, देखिए हास्य अथवा, ठीक है, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखिए और उदाहरण और उसका उदाहरण भी दीजिए। और ये 2 मार्क का आता है, और ये निश्चित होता है, हास्य रस अथवा करुण रस यही आता है, ये निश्चित होता है, यही निश्चित होता है। तो आप लोग हास्य रस और करुण रस याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये आएगा इस बार भी, ये हर साल यही आता है। ओके, उसी तरह ख में देखिए रूपक, उपमा अथवा उत्प्रेक्षा, इन तीनों में से आप लोगों को एक आता है, ठीक है। देखिए यहाँ रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण लिखिए, यानी अथवा करें दोनों में से किसी एक का, यहाँ भी हास्य रस अथवा करुण रस, यानी हास्य रस की तो लिखिएगी तो करुण रस, ठीक है। तो ये हास्य रस करुण रस यही 2 रस आता है, और इस अलंकार में रूपक उपमा और उत्प्रेक्षा तीनों अलंकार में से आता है। तो आप रूपक उपमा याद कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो आप रूपक और उपमा की परिभाषा याद कर लेना, उत्प्रेक्षा की भी याद कर लेना, मैं इसको अच्छे से लिखवाऊंगा भी, ठीक है। और ग देखिए, रोला अथवा सोठा छंद का लक्षण लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। रोला और सोठा ये निश्चित है, ये रोला आएगा और सोठा आएगा, ये मतलब ये निश्चित है, रोला सोठा यही एकदम प्रश्न ही आएगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम में इस बार भी। तो ये तीनों प्रश्न एकदम निश्चित होते हैं। ओके, चलिए जो 9वां प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो निम्नलिखित उपसर्गों में इसकी नितिल के मेल से एक एक शब्द बनाइए, यानी ये उपसर्ग दिया है, इसी के मेल से शब्द बनाने हैं आपको, तो मैं इसको भी बताऊंगा। और ये 3 मार्क में पूछता है, और फ्री में आपको 3 मार्क मिल जाएगा, एकदम कठिन नहीं होता है। और उसी प्रकार प्रत्यय होता है, प्रत्यय भी 2 मार्क आता है, तो 3-2-5 आप लोगों को फ्री में ये तो कहें तो मिल जाएगा, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय में कोई जान ही नहीं है। उसी प्रकार 9वें प्रश्न का क हो गया, ख हो गया, ग आप लोग का प्रश्न होता है, आप लोग देख सकते हो निम्नलिखित में से किन 2 के समास विग्रह और समास का नाम लिखिए, यानी समास विग्रह करना होता है और समास का नाम लिखना होता है। तो समास मैंने बता दिया है, चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, जाकर आप लोग देख सकते हो। ओके, और घ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। अब तत्सम रूप लिखना होता है, जैसे निर्गुण है तो निर्गुण हो जाएगा, उसी तरह मान लीजिए देखिए ने है, इसने ऐसे मतलब उसका क्या लिखना है कि तत्सम रूप लिखना है, ये तद्भव में है, तो ये भी आपको आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलते हैं अगला इसमें का अंग जो प्रश्न होता है, देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 परिवाची शब्द लिखिए, सरिता अग्नि वायु सूर्य आकाश। अब मैंने अभी परिवाची शब्द का मतलब वीडियो अपलोड किया है, उसमें देखिए 5 का एकदम मैंने 5 ये बताए, सरिता ये नदी, अग्नि यानी आग, वायु सूर्य आकाश, 5 का एकदम लिखवाया है, वो आप लोग देख लीजिएगा हिंदी का प्ले लिस्ट में जाकर, या आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, वो उसी में से एकदम आएगा जो मैं लिखवाया हूँ। तो ये भी 2 मार्क आप लोग को आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। तो गाइज, अगले पेज पे मैं आ चुका हूँ, और अगला आप लोगों का प्रश्न है 10। देखिए 10वें प्रश्न में क्या होता है कि उसका क जो प्रश्न होता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए, यानी संधि विच्छेद करना होता है और आपको संधि का नाम भी लिखना होता है। तो मैं संधि आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, कि आप लोग को एकदम कंपटीशन के लेवल के थ्रू पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ख प्रश्न आता है 10वें का, निम्नलिखित शब्दों के रूप पंचमी विभक्ति के बहुवचन में लिखिए। देखिए अब इसका निश्चित नहीं होता, ये निश्चित नहीं होता है, जैसे फल अथवा पयस होता है, जैसे आप लोग को देखिए इसमें भी कुछ निश्चित है, मैं आपको
आपको बताऊंगा कि इसका आप याद कर लीजिएगा तो वो फंस जाएगा। ओके चलिए, ग है, जो ग है कि निम्नलिखित में से किसी एक धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। देखिए अब इसमें पांच ठे होता है, आई होप आप जानते होंगे पांच ठे लकार होता है, तो आपको पाँचों याद करना पड़ेगा। किसी एक का, मान लीजिए पठ धातु का आप एक का याद कर लेंगे तो सभी, मतलब सभी धातु का आप बना लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत का बोले तो मतलब संस्कृत का वाक्य प्रयोग मतलब बनाने में भी ये मदद करता है। ठीक है, जैसे कोई हिंदी में वाक्य दे दिया, उसका संस्कृत में बनाना है तो आपको जैसे टेंस में नियम याद करते हैं, उसी तरह एक ये बोले तो नियम है। ठीक है, अगला इसमें का घ जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यानी देखिए चार ठे आपको वाक्य दिया रहता है इसके घ प्रश्न में, और केवल इसमें से दो का आपको वाक्य प्रयोग करना होता है, जो काफ़ी आसान दिया होता है। ठीक है, ये आपको ये कर लोगे। और जो 11वां प्रश्न होता है, निम्नलिखित विषयों में से एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर निबंध होता है और ये 6 मार्क का क्वेश्चन होता है, और आप लोग देख सकते हो इतना आपको ऑप्शन दे, कई थे यहाँ ऑप्शन आपको दिया होता है। आई होप देखिए आपको केवल यहाँ गाइडलाइन की जरूरत है, मैं आपको बताऊंगा कि निबंध कैसे लिखते हैं। आई होप आप ये लिख लोगे, आसानी से लिख लोगे, अपनी भाषा में लिखना होता है। ओके, तो चलिए अगला जो प्रश्न है उसे हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न, अब देखिए 11वां और 12वां प्रश्न होता है, केवल आप लोग के हिंदी में 12 प्रश्न आते हैं, तो ये अंतिम प्रश्न है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। और तीसरा, ये देखिए ये 3 मार्क का होता है। ठीक है, और देखिए ये हर जिले के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, हर जिले के ये निश्चित होता है कि इस जिले में ये आएगा। ठीक है, तो आप लोग इससे देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि इससे भी मैं अच्छे से करवाऊं। तो बस ये रहा हम लोग का हिंदी का पूरा पेपर, इसका हमने अच्छे से एनालिसिस किया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो थैंक यू।